जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल राइट वे एचडी में। दोस्तों, इस सेशन में हम लोग जो है 10th क्लास की मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। तो हम लोग 12.2 पढ़ रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर हम लोग आज तीसरा देखेंगे। इसके पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आकृति 12.3 में। तो सबसे पहले हम इसी में आपको पूरे क्वेश्चन को समझाते हैं। इस आकृति में कह रहा है कि ये आपका गोल्ड दिया हुआ है, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, तीरंदाजी का ये आपका एक सेट बना हुआ है, ठीक है। जहाँ पे आपके जो गोल्ड दिया हुआ है, गोल्ड का जो व्यास है वो हमारा 21 सेंटीमीटर है। कितना है? 21 सेंटीमीटर है। और फिर इसके आगे कह रहा है प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। प्रत्येक जो पट्टी है वो 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो प्रत्येक पट्टी की जो चौड़ाई है वो समान रहेगी, लेकिन व्यास जो होगा वो अलग अलग होगा। तो हम क्या करेंगे कि अब हम क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले गोल्ड का निकाल लेते हैं। तो गोल्ड का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। तो इसके लिए आर बर, पहले तो हम डी बराबर दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर, डी मतलब व्यास, ठीक है। अब हम त्रिज्या निकालेंगे आर बराबर, तो 21/2 मतलब निकलेगी 10.5 सेंटीमीटर। चूंकि जो व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होती है, या फिर कह लें कि त्रिज्या जो होता है वो व्यास की आधी होती है, ठीक है दोस्तों। तो यहां से हम मान इसमें रख देंगे क्षेत्रफल में। तो एरिया आपका पाई गुणे आर आपका 10.5। तो इस प्रकार से यदि हम यहाँ पे पाई का मान 22/7 रखते हैं और इसको जो स्क्वायर लगाए 2 बार लिख देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, अब इसकी गुणा करना आप लोग सीख लीजिएगा शॉर्ट में। शॉर्ट में गुणा कैसे करेंगे? यदि आपके 3 अंक दिए हुए हैं तो क्या करना है कि बाहर वाले अंकों की हम आपस में गुणा कर लेते हैं। बाहर वाले अंकों की क्या करेंगे, हम आपस में गुणा करा लेते हैं। और 105 ही आपका दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 105 दिया हुआ है। तो 105 हम इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 105 में अगर हम ये 5 और जोड़ देते हैं तो कितना होगा, 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा। तो 110, अब क्या करना है कि 2 अंकों के बाद दशमलव अंक को लगा देना। तो कितना आ गया, 110। देखो ये हमने जो बताया ये समय लगा है, ठीक है, लेकिन ये आप लोग करोगे। कैसे किया? 5 25 105 और 5 110 हो गया, गुणा हो गई ना, कितना इजी है दोस्तों। यदि आप लोग ये वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, वहां पे ऐसी ढेर सारी ट्रिक दी हुई है, ठीक है। तो इसकी गुणा आपकी क्या हो जाएगी, 110.25 और यहाँ पे 22/7। अब इसकी आपको फिर से गुणा करनी पड़ेगी। तो वहाँ पे दोस्तों जो है पूरी ट्रिक दी हुई है, आप लोग वहाँ को निकाल सकते हैं। हम क्या करते हैं इसको यहीं पे, ठीक है। अब इसको हम ये सॉल्व करते हैं, इस पूरे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा। देखिएगा ये हमारा अगर यहाँ से कैंसिल करेंगे तो 15.75 आएगा। कितना आएगा, 15.75, 15 × 7 = 105। और ये जो 75 है ये आपका इस प्रकार से निकल के आएगा। अब आपको 22 और 15.75 की गुणा करनी है, तो ये आपका निकल के आएगा 346.5 कर ले रहे हैं। आपको गुणा जो है कर लेनी है, और गुणा यदि आपको शॉर्ट ट्रिक में सीखना है तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके सीख सकते हैं। तो ये आपका निकल के आया गोल्ड वाली पट्टी का क्षेत्रफल, मतलब इसका क्षेत्रफल निकल के आया। अब दोस्तों हमको क्या करना है कि हमको निकालना किसका, रेड का निकालना है, ब्लू का भी निकालना है और ब्लैक का भी निकालना है, व्हाइट का भी निकालना है। तो अब हम रेड का निकालेंगे। किसका निकालेंगे, रेड वाली पट्टी का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यदि हम क्या करते हैं इस पूरे का मतलब रेड प्लस गोल्ड के क्षेत्रफल से हम घटा देते हैं गोल्ड का क्षेत्रफल। तो रेड प्लस गोल्ड का कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस रेड का जो है वो हमारा त्रिज्या कितना है, 10.5, कितना है, 10.5। और प्लस ये जो पट्टी है, ये पट्टी इसका जो चौड़ाई है वो भी हमारा 10.5 है। तो इस प्रकार से हमारा कितना बनेगा, 10 10 20, और 10.5 10.5 हो गया 21। तो मतलब जो हमारा रेड प्लस गोल्ड का जो क्षेत्रफल आएगा उसके लिए त्रिज्या आपकी क्या हो जाएगी, तो रेड पट्टी का क्षेत्रफल हम अब निकालने वाले हैं। तो रेड प्लस गोल्ड का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइनस गोल्ड। गोल्ड का हमने निकाला कितना था, ये अभी पीछे हमने साफ कर दिया है, कितना 346.5 था, 346.5, ठीक है।
तो पाई का मान हमारा 22/7 और ये होगा 21 और गुणे 21 माइनस 346.5। इसको अब सॉल्व करना है आपको। तो 7 3 के कितना हो गया 21, ठीक है। 22 गुणे ये हो गया 21, यहाँ आपका होता है 63, कितना होता है 63 होता है, माइनस 346.5। इसकी अब हम गुणा कर लेंगे, तो इसकी गुणा करने के बाद हमारा कितना आएगा, यहाँ पे साइड में हम गुणा कर ले रहे हैं ये, ठीक है। 2 3 6 2 6 12 और ये हो गया आपका फिर से 126, 6 2 8 3 1386। तो 1386 माइनस 346.5, 46.5 ये आपका 86 है, 86, ठीक। तो अब हमारा जो है कम करके लिख दे रहे हैं, तो 0.5 का मतलब आपका 0.5 हो गया। यहाँ पे 6 तो एक हासिल चला गया, यहाँ पे 5 बचा, 5 से 6 गया तो 9, मतलब 15 से 9, ठीक। यहाँ पे अब 7 बचा, 7 से 4 गया, 7 से 4 गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 था आपका, तो 3 से 3 0 और 1, तो 1039 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ब्लू पट्टी, जो ये आपकी बेड़ा पट्टी पड़ी हुई है, इसका जो मान निकल के आया है, निकल के आया है कितना, सॉरी रेड पट्टी है ये, रेड पट्टी, ठीक है। तो इसका मान निकल के आया है 1039.5। अब दोस्तों आगे के आपका ब्लू, ब्लैक और व्हाइट, ये आपको अपने आप निकालने हैं। कैसे निकालने हैं मैं एक बार फिर से ब्रीफ में बताता हूँ कैसे। कि जैसे अब हमको निकालना है ब्लू का, किसका निकालना है, ब्लू का निकालना है। तो ब्लू के लिए क्या हो जाएगा, आपकी जो जहां पे हमने किया पाई आर स्क्वायर, ठीक है, वहां पे क्या करना होगा आपको, जो आर का मान होगा, आर का मान होगा किसके लिए, ब्लू के लिए। देखो सबसे पहले ये आपकी 10.5 थी, 10.5 प्लस इधर साइड में देख लीजिएगा किसके लिए, ब्लू के लिए। सबसे पहले 10.5 सबसे पहले गोल्ड वाली, फिर रेड की हो गई 10.5 और फिर जो है ब्लू की हो गई 10.5। ये आपकी ब्लू, मतलब आपका 10 3 30 और 1 31.5, 31.5 सेंटीमीटर आपका ब्लू के लिए हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम ब्लैक का निकालें, जो आर आपकी जो ब्लैक के लिए आएगी वो कितनी आएगी, 31.5 में दोस्तों जो है हम 10.5 जोड़ देते हैं, तो 10.5 अगर जोड़ते हैं तो 41.5 और एक और तो 42 आ जाएगा, कितना जाएगा 42 सेंटीमीटर, किसके लिए, ब्लैक के लिए। अब व्हाइट के लिए इसी प्रकार से हम 10.5 जोड़ेंगे इसके लिए, व्हाइट के लिए, तो ये 10 अगर जोड़ देंगे तो 52 हो गया, तो 52.5 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या करना है कि अब जो आएगा, अब हम फिर से देखेगा क्वेश्चन जो है इसी में लग जाएगा पूरा, लेकिन करना आप लोगों को एक निकालना किस काम को, ब्लू का। तो ब्लू के लिए आपका 31.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 1.5 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो अब जो इस जो पीछे का हमने निकाला था, इसका मतलब रेड और गोल्ड का, इस वाले क्षेत्रफल को हम घटा देंगे, मतलब इस बार जो है हम ये वाला, इसके पहले क्या घटाए थे, इस वाले गोल्ड का घटाए थे, मतलब 346.5 घटाया था, इस बार क्या घटाएंगे, 1039.5 घटाएंगे। जब आगे चलेंगे तो हम इसका, इसका और इसका भी घटाएंगे। जब हम व्हाइट का निकालेंगे तो ब्लैक, ब्लू, रेड और गोल्ड का घटाएंगे। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। यदि आप लोग इसके आगे वाले नहीं निकाल पा रहे हो तो मेरे को मैसेज करना दोस्तों, कमेंट करना, मैं उसको फिर से बताऊंगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है, कितना सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। यदि कार की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितने चक्कर या राउंड मारता है, ये बताना आप लोगों को। तो सबसे पहले पहिए का व्यास हम लोग देख लेते हैं, जो t बराबर दिया हुआ है वो 80 सेंटीमीटर है, कितना है 80 सेंटीमीटर है। तो यदि हम पहिए का परिमाप निकालें, क्या निकालें, परिमाप, यहां पे देखिएगा पहिए का परिमाप, ठीक है। तो क्या होता है परिमाप बराबर 2πr, 2πr, या फिर इसको हम पाई डी भी लिख सकते हैं, पाई डी, ठीक है। तो ये आपका जो है पाई इंटू डी आपका है 80, तो 80 हो गया, पाई डी 80 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि यदि
कार जो है 80 किलोमीटर पर आवर की, मतलब क्या है कि कार जो है 1 घंटे में कितना जाती है, 80 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। मतलब जो 60 किलोमीटर पर आवर लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में जो कार होगी वो 60 किलोमीटर जाएगी। ठीक है, मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर। और किलोमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1000 से गुणा, ये आपका हो गया मीटर, क्या हो जाएगा मीटर, सॉरी। ठीक है, अब हम 1 मिनट में, 1 मिनट में क्या करेंगे, निकालते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्या निकल के आएगा, ठीक है, गुणे 1000, ये आपका मिनट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे मीटर होगा। और तो अब हमको क्या 1 मिनट में निकाल लें, तो ये 60 आपको कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो 60 से 60 कैंसिल, तो क्या आया 1000 मीटर। 1000 मीटर हमको निकालना क्या है, 10 मिनट में निकालना है, प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाता है। अब एक और बात यहाँ से ध्यान रखनी है कि जो ये 80 सेंटीमीटर में दिया है और ये मीटर में है, तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करते हैं। तो हम सेंटीमीटर चेंज करने के लिए क्या करना होगा, 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 1000 गुणे 100, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये आपका सेंटीमीटर आ गया। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे कि 10 मिनट में, 10 मिनट में पहिया चक्कर लगाता है बराबर, 10 मिनट में पहिया क्या लगाता है, चक्कर लगाता है, तो क्या हो जाएगा 1000 गुणे 100। 1000 गुणे, दोस्तों दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ, ये अब दिख रहा होगा, ठीक है, तो 1000 गुणे 100, ठीक, ये तो आपका ये हो गया। और ये भाग में क्या आएगा, पाई गुणे 80 और यहाँ पे गुणे 10, यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। तो इसको हम कैंसिल करते हैं, पाई द 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल हो गया। इसके बाद इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि 1000 गुणे 100, और अब पाई का मान रखते हैं, तो 22/7 और गुणे में आपका 8 दिया हुआ है। अब इसको आपको कैंसिल करना है, तो इस 7 को हम कहाँ लिख सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, इस 7 को ऊपर रख सकते हैं। तो देखिएगा आप, 4 दुनी 8, 4 दुनी 8, और इसको आपका क्या कहेंगे, 25 चक्कू आपका 100 होता है, 25 चक्कू 100 होता है। इसको इधर काटें तो यहाँ पे 11 आ जाएगा 2 से, और यहाँ पे आपका 500, कितना 500, तो 500 गुणे 25 गुणे 7, और नीचे आपका 11 गुणे 2, 11 गुणे 2, और ये आपका आ गया 250। ठीक, अब 250 गुणे 25 गुणे 7 और बटे में 11, ये आपकी गुणा होके आई। अब इसको दोस्तों आप लोगों को गुणा करके बताना है कि यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा वही आपके चक्करों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, या फिर आप लोग गुणा करके आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान, संख्यात्मक मान समान हो, तो उसकी त्रिज्या आप लोगों को बतानी है, त्रिज्या बतानी है। तो ये आपका बहुविकल्पी थे, ठीक है, इसका आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो मान लीजिएगा, माना वृत्त की जो त्रिज्या हमारी है, क्या है त्रिज्या है, वो आर सेंटीमीटर या आर इकाई मान लेते हैं आप, ठीक है, इकाई, या उसको हम मात्रक मान सकते हैं, ठीक है, इकाई या मात्रक हम दोनों मान सकते हैं। तो वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, वृत्त का जो परिमाप होगा वो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर इकाई। ठीक है, अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर वर्ग इकाई, वर्ग इकाई आपका हो गया। ठीक है, अब कह रहे दोनों ही कैसे हैं, समान है, दोनों हैं कैसे समान है, तो हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है कि
कि 2 पाई आर बराबर आपका पाई आर स्क्वायर, ये आर से आपका ये आर कैंसिल हो गया और पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो आर बराबर निकला 2, तो 2 मात्रक या इकाई हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका पहला वाला ही सही है। तो दोस्तों ये रहे आज के 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3, 4 और 5। आशा करता हूँ दोस्तों सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए होंगे। ये कहीं पे कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में करें या हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि आपका ग्रुप में दिया हुआ है आप वहाँ पे कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।